हार्दिक अभिनंदन प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको पदबंध के प्रकार में संज्ञा पदबंध पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। संज्ञा पदबंध की परिभाषा आपके सामने लिखा हुआ है। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाले पद समूह को संज्ञा पदबंध कहते हैं। उसका उदाहरण भी आपके सामने यहाँ दिया गया है कि राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। आपको पहले वीडियो में पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार, सारी बातें आपको बताई गई। तो पदबंध किसे कहते हैं, आपको बताया गया था कि कई पदों के मेल से बने वाक्यांश, यानी क्या होना चाहिए, वाक्यांश होना चाहिए, वाक्यांश होना चाहिए, ठीक। फिर कई पद मिलना चाहिए, कई पद, ठीक। ये भी एक पहचान है वाक्यांश का, शीर्ष पद, वाक्यांश का शीर्ष पद, ठीक है। शीर्ष पद यानी अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक है। सब जिस शब्द का वो प्रकार हो, जिस शब्द का, जिस शब्द का वो, जिस शब्द का वह प्रकार हो, प्रकार, प्रकार हो, प्रकार हो, यानी ये जो भी मैं आपको लिखा हूं, ये सब पदबंध की पहचान है। कई पदों के मेल से बने वाक्यांश, ठीक, जो एक इकाई का काम है, ये भी एक आपका पहचान है, इकाई, इकाई, ठीक है, यानी एक यूनिट बनाए, एक ही पद का कार्य करे, उसे ही पदबंध का। आप इसमें देखिए कि इस वाक्य में राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। अब हमें ये देखना है कि कई पद मिलकर के एक वाक्यांश कहां बना रहे हैं। तो यहां देखिए, लंका के राजा रावण, ठीक, ये वाक्यांश बन गया। यह कई पद मिल करके एक वाक्यांश आया। और वाक्यांश का अंतिम पद, अंतिम पद आप देख रहे हैं यहां पे, ये अंतिम पद है राम। मैं यहां पे लिखा हूं जिस शब्द का वह प्रकार हो। अब ये रावण जो है संज्ञा है, ठीक है, तो संज्ञा पदबंध हो गया। एक पहचान ये भी है, बहुत सरल पहचान है कि जिस शब्द का वह प्रकार हो, उसी का वो पदबंध होता है, ठीक है। तो आपको एक उदाहरण में मैं बताए कि जिस शब्द का वो प्रकार हो, भेद हो, उसी का पदबंध होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहां रावण जो शब्द है वो संज्ञा है। संज्ञा का जिस शब्द का भेद हो, यानी आप देखो शब्द क्या है, संज्ञा है, तो ये संज्ञा पदबंध हो गया। पहचान करना बहुत सरल है। उसी तरह से आप विशेषण का भी पहचान कर सकते हैं। वाक्यांश का अंतिम पद या शीर्ष पद, जिस शब्द का भेद हो, यदि ये विशेषण है तो विशेषण पद बन, यदि ये अंतिम पद स्वर्णनाम है तो स्वर्णनाम पद बन, यदि अंतिम पद क्रिया है तो क्रिया पद बन, यदि अंतिम पद क्रिया विशेषण पद बन है तो क्रिया विशेषण पद बन। तो अंतिम पद हमें देखना पड़ता है,
पहली बात तो हमें वाक्यांश पहचानना पड़ता है, दूसरी बात उसमें यह देखना पड़ता है कि शीर्ष पद यानी अंतिम पद जिस शब्द का वो भेद है, किस शब्द का भेद है भाई, अंतिम पद जो है वह संज्ञा है, इसलिए संज्ञा पद बंद हो जाएगा। अगर यहाँ पे सर्वनाम मान लीजिए तुम हो तो सर्वनाम पद बंद हो जाएगा, यदि विशेषण है तो विशेषण पद बंद हो जाएगा। तो पदबंध पहचान करना कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बच्चों मुझे ध्यान अब मतलब आशा है कि आपको जो भी कुछ इसमें बताया गया आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम दूसरा कोई उदाहरण लेकर के आपको एक समझाते हैं कि उस उदाहरण में कैसे पदबंध बन रहा है और वो कौन सा पदबंध है। ठीक है, एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे आपको उदाहरण, दूसरा उदाहरण चाहे इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप नंबर दो डाल लीजिए, ऐसे कर लीजिए। मंदिर के पास, यहां पर लिखिए मंदिर, मंदिर के पास, पास मंदिर के पास का पौधा, पौधा सूख गया, सूख गया। ठीक, अब आपको इसमें देखना है कि वाक्यांश क्या है। आपको तो पता चल रहा है कि कई पदों के मेल से बने वाक्यांश जो एक ही पद का कार्य करते हैं, जैसे इसमें देखो कई पदों के मेल से बने वाक्यांश जो एक पद का कार्य करते हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। तो एक ही पद का कार्य कर रहा है यानी लंका के राजा रावण, यानी रावण के ही बारे में बात कर रहा है, जो एक पद की ही बात हो रही है, एक व्यक्ति की ही बात हो रही है, यहां रावण की बात हो रही है। ठीक है, तो उसी तरह से यहां देखिए मंदिर के पास का पौधा सूख गया। अब वाक्यांश देखिए, अब पौधा सूख गया कि हरा है कि काटने लायक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कि वाक्यांश कहां तक है। ठीक है, और वाक्यांश का अंतिम पद जो है यानी शीर्ष पद जो है किसका भेद है, किस शब्द का भेद है। तो जिस शब्द का भेद रहेगा उसी पदबंध का वो प्रकार होगा। अभी आप देखो मंदिर के पास का पौधा, अंतिम पद क्या है या शीर्ष पद क्या है, पौधा है। यहां देखिए अंतिम पद पौधा है, अंतिम पद वाक्यांश का अंतिम पद पौधा है, तो ये आप शीर्ष पद आपको मिले, शीर्ष पद। और आपको पता चल गया कि पौधा जो है संज्ञा है, तो सीधे सीधे संज्ञा पद बंद हो गया। तो बहुत कोई कठिन नहीं है कि आपको पहचान ना, कि आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा पद बंद है। आपको देखना है कि वाक्यांश वाक्य में कहां तक बन रहा है, बनने के बाद उसका अंतिम पद यानी शीर्ष पद किस शब्द का भेद है, तो किस शब्द का, तो संज्ञा का भेद है। अभी देखो पौधा जो है जातिवाचक संज्ञा का भेद है कि नहीं, ये रावण देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको संज्ञा पदबंध पहचानने आ गया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम अगला भेद लेकर के दूसरे वीडियो में मिलते हैं।